Hello everyone, welcome to all of you in FFB live chemistry classes. This is my YouTube channel. तो केमिस्ट्री के सभी टॉपिक पे स्टडी के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. नाम क्या है? FFB लाइव केमिस्ट्री क्लासेस बाय फातिमा बानो. पिछले वीडियो में हमने, जैसा कि बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर चल रहा है, तो पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स किस तरह से बनते हैं, उसके अलावा प्रोटीन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी. आज हम एमिनो एसिड्स कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, उसके अलावा पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इस पे हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. Now today's topic is amino acids, classification of amino acids, उसके अलावा peptides, polypeptides and structure of protein, इन बातों पे डिस्कस होना है. तो amino acid क्या है, इन पे हम पिछले क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं. amino acids differ in relative position of NH2 and COOH group and nature of R group. On different base they are classified as. तो amino acids में NH2 और COOH group present होते हैं. कितने type के होते हैं, classification यहाँ पे हमें देखना है. On the पहला classification है on the basis of nature. On the basis of nature they are classified into following types. First neutral amino acids, इसके बारे में भी last class में हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं. दोज एमिनो एसिड्स इन विच एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल हैज इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप आर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिनिन. दिस इज ग्लाइसिन कंटेनिंग वन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, वैलिन कंटेनिंग वन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप. तो अल्फा कार्बन से ये दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए ये अल्फा एमिनो एसिड्स भी कहलाते हैं. दूसरा है एसिडिक एमिनो एसिड. दोज एमिनो एसिड्स इन विच ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड कंटेन वन NH2 ग्रुप एंड मोर देन वन COOH ग्रुप आर एसिडिक एमिनो एसिड लाइक एस्पार्टिक एसिड कंटेन्स टू COOH ग्रुप एंड वन NH2 ग्रुप. ग्लूटामिक एसिड contains two COOH group, one NH2 group. These are the acidic amino acid. Now basic amino acids. These are the acidic amino acids. अब आ जाते हैं basic amino acids पे. Amino acids containing one COOH group and more than one NH2 group are basic amino acids like lysine, arginine and histidine. It contains two NH2 group and COOH group. This is lysine. This is basic amino acid. Arginine contains two NH2 group. These are the NH2 group and one COOH group. Another type is sulfur containing amino acids. Amino acid contains sulfur are called sulfur containing amino acid. Example is cysteine contains HSCH2CHCOH. यहाँ पे sulfur मौजूद है. ये क्या है? Sulfur containing amino acids. Now on the basis of nature of hydrocarbon part, एक part hydrocarbon का होता है amino acids में. तो अब इसके नेचर पे क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एलिफैटिक एमिनो एसिड. इन दिस एमिनो एसिड साइड चेन आर इज एलिफैटिक लाइक ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन का स्ट्रक्चर देखा अभी. दूसरा एरोमेटिक एमिनो एसिड्स. इन दिस एमिनो एसिड साइड चेन आर इज एरोमेटिक लाइक फेनिल, एनालिन, टायरोसिन एक्सेट्रा. दिस इज फेनिल एनालिन. यहाँ C6H5 अटैच है. उस आर जो ग्रुप है वो एरोमेटिक है. इसी तरह इसमें आर ग्रुप जो है ये
एरोमेटिक है और NH2COOH ग्रुप यहाँ पे अटैच है. नाउ हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड अनदर टाइप. इन दिस अमीनो एसिड साइड चेन R इज हेट्रोसाइक्लिक लाइक प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन एग्जाम्पल है. तो ये साइक्लो ग्रुप जो R ग्रुप है उसको साइक्लो ग्रुप है मौजूद है इसमें. साइड चेन इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक मीन्स यहाँ पे कार्बन की रिंग में N एटम मौजूद है और ये हो गया R और बाकी ये एमिनो एसिड्स. इसी तरह प्रोलीन में दिस इज दी हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप. अनदर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है R और ये हिस्टिडीन में यहाँ ये हेट्रोसाइक्लिक यानी रिंग में कार्बन के अलावा जब कोई दूसरा एटम भी अटैच होता है तो वो कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Now on the basis of relative position of amino and carboxylic group, on the basis of relative position of COOH and NH2 group, they may classified as alpha, beta, gamma, delta and omega, etc. Now alpha amino acids, when NH2 and COOH group attach with alpha carbon, yani COOH group ke कार्बन के जस्ट बाद का कार्बन क्या होता है अल्फा. तो ये अल्फा एमिनो एसिड. बीटा एसिड सी ओ ओ एच ग्रुप के बाद एक कार्बन छोड़ के अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन. अब यहाँ से एनएच टू ग्रुप जुड़ा होगा तो ये हो जाएगा बीटा एमिनो एसिड. इसी तरह से गामा एमिनो एसिड अब थर्ड जो इसके बाद का तीसरा कार्बन होगा वो होगा गामा कार्बन. तो ये हो जाएगा गामा एमिनो एसिड सी से एनएच टू यहाँ पे जुड़ा है गामा कार्बन पे. और इसी तरह से जब ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ओमेगा. तो इस तरह से अमीनो एसिड्स के टाइप बदलते जाएंगे. नाउ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड्स अबाउट 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स and out of 20 amino acids our body may synthesize about 10 amino acids. They are called non-essential acids. About 20 amino acids are required for synthesis of protein and out of 20 amino acids our body may synthesize about 10 amino acids. They are called non-essential amino acids. On the other hand, those amino acids which are not synthesized in our body and are supplied through our diet are called essential amino acid. In the absence of proper availability of essential amino acids, growth of our body either stops or becomes slow. It may become slow. It may lead to a disease, kwashiorkor. Now come on peptide and peptide bond, जिसके बारे में हम last class में भी बता चुके हैं. Two or more similar or different amino acids condense together to form peptides. In the formation of peptide bond, NH2 group of one amino acid is condensed with COOH group of adjacent amino acid to form CONH. This is peptide bond or amide bond. In this reaction, water molecule is eliminated. Peptide bonds bind amino acid with each other in order to form protein molecules. So peptide bond is tarah se banta hai. Ek amino acid ka COOH group dusre amino acids ke NH2 group se is tarah se bond banate hain. Inke beech condensation reaction hota hai. Water molecule is tarah se ye eliminate ho jata hai aur ye CN CO और NH के बीच जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड्स यूज हो रहे हैं तो ये डाइपेप्टाइड है एंड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड.
example glycine when reacts with alanine condensation होता है तो glyala और GA पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. दिस इज दी डाई पेप्टाइड. सी और एन एच ये बॉन्ड क्या है, सी और एन के बीच बॉन्ड बन रहा है. यहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड है. इन डाई पेप्टाइड बोथ द एंड हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप विथ कंडेंस फर्दर विद अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म टाई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड्स एटसेट्रा. एन एच टू ग्रुप है एक साइड में, वो दूसरे अमीनो एसिड से यहाँ इधर जुड़ करके उसके सी ओ ओ एच ग्रुप से जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है. और इधर सी ओ एच ग्रुप है जो दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ करके एमिनो एसिड के एन एच टू ग्रुप से जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है. तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है और ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड इस तरह से बनते जाते हैं. नाउ पॉलीपेप्टाइड्स, व्हेन टू थ्री और फोर एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स आर joined together with peptide bond, the molecule form is called dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, etc. But when a large number of amino acids are joined together with peptide bond, the peptide form is called polypeptide. इस तरह से n बार ये बनता जाएगा बॉन्ड, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड. Each polypeptide unit contains free NH2 at one end and free COOH group at another end with NH2 group is called the end with NH2 group is called end terminal. This is the end terminal, while that with COOH group is called C terminal. Generally in expressing the polypeptide, N terminal is written in left side while C terminal on right hand side. Name of polypeptide starts from N terminal and ends at C terminal except in the name of amino acid present at C terminal. Suffix ene is replaced by -yl, glycine as glycyl, alanine as alanyl. तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है एलानिन और ग्लाइसिन और फेनिल एलानिन के बीच, तो ये क्या हो जाएगा, एनालिन ग्लाइसिल फेनिल एलानिन. दिस इज दी ट्राई पेप्टाइड. तीन एमिनो एसिड्स के बीच बॉन्ड बन रहा है जिसको शॉर्ट में हम इस तरह लिखेंगे या सिंबल एला ग्लाई पी एच ई और ए जी एफ. सिमिलरली ट्राई पेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिल serine is represented as, this is the glycine condensed with alanine and it condenses with serine. Tino amino acids jod karke condense ho karke ye peptide bond bana rahe hain. Teen unit hai, iska symbol kya hoga, gly ela ser aur gas. This is the polypeptides. Chains having a few approximately 10 amino acids are called oligosaccharides, while chains having large number of amino acids are called polypeptides or protein. Till date, about 20,000 types of chain of various proteins are known. Now, oligosaccharide means 2 to 9 amino acids. Oligopeptide, not saccharide. Oligopeptides contain 2 to 9 amino acids. Polypeptide contains 10 to 100 amino acids and protein contains more than 100 amino acids. Now come on polypeptides and proteins. In general, proteins are polymers of alpha amino acids. Like peptides, the amino acid unit in protein are held by a peptide CONH linkage. Actually, there is no clear line of demarcation between polypeptides and protein. In fact, polymeric products of alpha amino acid with molecular mass up to 10,000 are called polypeptides, while these having molecular mass greater than 10,000 are usually called protein. So this is the difference between polypeptides and प्रोटीन. तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब 10,000 से जब यूनिट इसकी हो जाती है, ये पॉलीमेरिक अल्फा अमीनो एसिड विद मॉलिकुलर मास 10,000, तो ये पॉलीपेप्टाइड.
इससे ऊपर जब हो जाएगा तो वो प्रोटीन कहलाएगा. नाउ कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन वरीज विद सोर्स एंड अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इज एज फॉलोज. कार्बन 50-52%, हाइड्रोजन 6-7%, ऑक्सीजन 23-25%, नाइट्रोजन 16-17% एंड सल्फर अबाउट 1%. अदर एलिमेंट मे आल्सो बी प्रेजेंट. फॉस्फोरस इन न्यूक्लियो प्रोटीन, आयोडीन इन थायराइड प्रोटीन एंड आयरन इन हीमोग्लोबिन. Now classification of protein is summarized as protein three types of divided into three types: simple derived proteins and conjugated. Simple protein on hydrolysis gives only alpha amino acid, but derived protein formed by action of physical or chemical agent on natural protein. And conjugated protein, they contain a non-protein part attached to simple protein. Non-protein protein part is known as prosthetic group. Examples हैं दोनों के. Simple proteins में albumins soluble in water, globulins insoluble in water but soluble in neutral salt and solution. Glutenins soluble in dilute acids or base. उसके अलावा है prolamines which is insoluble in H2O and salt solution ETOH but soluble in 80% ET means ethyl alcohol and H2O. उसके अलावा albuminate, it is insoluble in or neutral solvent dilute acids base etc. These are the simple protein. अभी इधर है conjugated protein. क्या होते हैं इसकी definition देखा. ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट इज दो, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फेट एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें. लाइकोप्रोटीन में लिपिन एंड लिपिड एंड प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन. उसके अलावा क्रोमोप्रोटीन जिसमें कि मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कहलाते हैं जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं. नाउ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन देयर इज लिटिल और नो ब्रांचिंग. न्यूट्रल एमिनो एसिड्स. लॉन्ग चेन्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस. Examples collagen, fibrin and elastin. Globular proteins क्या होते हैं? Highly branched and cross-linked condensation products of acidic or basic amino acid. Second property stabilized by intramolecular hydrogen bond and soluble in water, acid, base, salt etc. Examples casein and globin etc. तो दो तरह से ये classification हो गया. पहला था classification on the सिंपल ड्राइव एंड कंजुगेटेड प्रोटीन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर मे बी स्टडाइड अंडर थ्री हेडिंग्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. फर्स्ट वी डिस्कस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. The primary structure of a protein refers to the number and sequence of the alpha amino acid in its polypeptide chain. The primary structure begins with the amino acid whose amino group is free and it forms the one end of the chain. Free carboxylic group C terminal end form the another end of the chain. There is a left hand side pe सी टर्मिनल होता है, एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है और राइट हैंड साइड पे सी ओ ओ एच फ्री ग्रुप होता है जो कि कहलाता है सी टर्मिनल एंड. साइड चेन्स में है बेसिक और एसिडिक ग्रुप एस एन एच टू इज इन लाइसिन एंड सी ओ ओ एच इन एस्पार्टिक एसिड. बिकॉज ऑफ दीज एसिडिक एंड बेसिक साइड चेन्स देयर आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली
charge centers through the peptide linkage is stable. The reactivity is due to these charge centers in the side chain. The primary structure of protein is usually determined by its successive hydrolysis with mineral acid or enzymes into various products having decreasing molecular mass as shown. प्रोटीन जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पहले प्रोटीओज़ेस में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्टोन्स में, फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स, उसके बाद सिंपल पेप्टाइड्स एंड देन एमिनो एसिड। इसको रिवर्स में देख सकते हैं किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एमिनो एसिड से सिंपल पेप्टाइड्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, फिर पेप्टोन्स, उसके बाद प्रोटीओज़ेस एंड लास्ट प्रोटीन। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे प्रोटीन क्या देता है, अल्फा एमिनो एसिड। The first ever primary structure of protein, that is insulin, was determined by British chemist Frederick Sanger, awarded Nobel Prize in 1958. Since then, the primary structure of so many different proteins have been determined. The formation of a protein linking together different amino acids is not a random process. Each molecule of a given protein has the same sequence of the amino acid along its polypeptide chain. In fact, it is this very sequence that imparts to a protein its wound specific properties. Even a change of just one amino acid can drastically change the properties of entire protein molecule. Even a change of just one amino acid can drastically change the property of entire protein molecule. यानी किसी एक amino acid की position अगर change होती है तो पूरे hemoglobin की property change हो जाती है, पूरे protein molecules की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 574 एमिनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 574 एमिनो एसिड यूनिट इन इट्स मॉलिक्यूल इन डिफिनिट सेक्वेंस। डिफिनिट सेक्वेंस में लगे होते हैं, अगर कोई भी एक एमिनो एसिड उसमें से डिस्टर्ब हुआ तो हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। When only one specific amino acid in the sequence is changed, it becomes a defective hemoglobin, which loses its specific property of carrying oxygen in bloodstream and result in a disease called sickle cell anemia. Now, normal hemoglobin में, his leucine, THR, PRO, GLU, ये सारे अमीनो एसिड इस सीक्वेंस में लगे होते हैं। अगर यहाँ चेंज हुआ, GLU की जगह वेल आ गया, तब ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, वो बंद हो जाती है। Now, primary structure tells us nothing about the shape or conformation of the molecule. Most of the bonds in protein molecule, being single bonds, can assume infinite number of shapes due to free rotation about single bonds. However, it has been confirmed that each protein has only a single three-dimensional conformation. Now, secondary structure of protein. The arrangement of polypeptide chains assumed as a result of hydrogen bonding is called secondary structure of protein. It gives information about the manner in which the protein chain is folded and bent, and it gives the information about the nature of the bonds which stabilize its structure. Secondary structure of protein is mainly of two types, depending upon the size of R group. First is alpha helix. Alpha helix, this structure is found when the chain of amino acids coil as a right-handed screw called alpha helix because of the formation of intermolecular hydrogen bonding between amide group of the same peptide chain.
That is NH group in one unit is linked to the carbonyl oxygen of the fourth unit of hydrogen bonding. This hydrogen bonding between different unit is responsible for holding helix in a stable position. The side chain of these units projects upward from the coil backbone. The alpha helix is also known as 3-6-13 helix. Since each turn of helix has approximately 3.6 amino acid, this is 3.613 helix, because each turn of the helix has approximately 3.6 amino acids and 13 member ring is formed by hydrogen bonding. The pitch or the distance between two successive turns is 54 PA. Such proteins are elastic, that is, they can be stretched. On stretching, weak hydrogen bonds break up and the peptide chain like a spring. The hydrogen bond are reformed on releasing the tension. Proteins such as myosin in nucleus and keratin in hair, wool, nails have a alpha helix structure like this. Is tarah se स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इस तरह से होगी, अल्फा हेलिक्स इस तरह से, और इसको हम और इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, एन, फिर ये सी, यहाँ पे सी ओ मिडिल में, फिर इधर एन एच, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे यूनिट के साथ इस तरह से। जैसे यहाँ पे ये सी ओ है तो इसका जो H है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बीच में जो दिखा रहे हैं लाइन, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देख सकते हैं। दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। नाउ बीटा प्लीटेड शीट, अनदर टाइप, a different type of secondary structure is possible when polypeptide chains are arranged side by side in a zigzag manner with alternate R group on the same side. The chains are held together by a very large number of hydrogen bonds between CO and NH of different chains. Thus, the neighboring peptide chains are bonded together by intermolecular hydrogen bonding, resulting in the formation of a flat sheet. These sheets can slide over each other to form a three-dimensional structure called beta pleated or folded sheet. The silk protein fibroin has beta pleated structure. The alpha helix type structure is assumed if R group are larger, whereas beta pleated sheet type structure generally exists in case if R group are smaller, like this. इस तरह का जब structure होगा तो वो beta sheeted structure कहलाता है। पूरा structure देखने के लिए छोटा करना पड़ेगा इस तरह से। ये this is the beta pleated sheet structure। यहाँ बीच में ये एक alpha helix है और ये दूसरी helix है, दोनों ज्वाइंट होते हैं और क्या बनाते हैं, बीटा प्लीटेड सील्ड स्ट्रक्चर। बीच में इनके बीच ये एच और बीच के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The tertiary structure of proteins refers to the definite geometrical pattern in which the entire protein molecule folds up in the three-dimensional space to produce a specific shape. Further folding, twisting, and bending of secondary structure is called the tertiary structure of protein. The two important tertiary structure of protein are fibrous structure and globular structure. The fibrous proteins, that is silk, collagen and keratins, have large helical content and have rod-like rigid shape, insoluble in water. At normal pH and temperature, each protein will take a shape tertiary structure that is energetically most stable.
This shape is specific to give an amino acid sequence and is called native state of the protein. The tertiary structure of a protein is controlled by several different kind of interaction that serve to hold the folded segments of the chain in place. These interaction may be any of the given ahead. First, intermolecular hydrogen bonding. Second, ionic interaction or salt bridge. Uske alawa third hai van der Waals interaction or 3-cis-cis disulfide bond and hydrophobic water heating side chain interaction like this. Is tarah se SS bond inko jo hai join karti hai S se aur baki ye pura structure hai protein ka. This is the hydrophobic interaction and this is disulfide bridge and this is salt bridge ban raha hai beech mein aur ye hydrogen bond. This is force, ye kya show kar raha hai, forces which stabilize the tertiary structure. To char tarah ki force hai, hydrophobic interaction ho raha hai inke beech, disulfide bridge ban raha hai aur dusri taraf ye salt bridge yani salt plus minus salt banata hai milkar ke. उसके अलावा दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि स्टेबलाइज कर रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एन एग्जांपल ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन इंसुलिन विच कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन. चेन ए कंसिस्ट ऑफ 21 एमिनो एसिड विद ग्लाइसिन एज द एंड टर्मिनल एमिनो एसिड एंड चेन बी कंसिस्ट ऑफ 30 एमिनो एसिड विद एथिल एमाइन. Now an example of disulfide bridge is found in insulin in which it consists of two polypeptide chain. Chain A consists of 21 amino acid with glycine as the end terminal amino acid. Yani ek side pe glycine ka end terminal amino acid hota hai and chain B consists of 30 amino acid with phenylalanine at the end terminal. Both the chains are cross linked by two disulfide bridge like this. Is tarah se iska structure hota hai. The structure of insulin, one chain and another chain. Yahan pe ye terminal end hai NH3 और ये दोनों किससे स्टेबलाइज हो रही हैं, डाइसल्फाइड लूप बना रही है यानी डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है जिससे कि ये स्टेबलाइज होता है. ये बी चेन है और ये ए चेन है, दोनों जुड़ किससे रही हैं, इंटरचेन ब्रिज यानी एस एस डाइसल्फाइड बॉन्ड से. Now Prudes and Candu shared the 1962 Nobel Prize in Chemistry for determining the tertiary structure of hemoglobin and myoglobin through X-ray diffraction studies. Now globular protein possess tertiary structure. Globular proteins possess tertiary structure. In general, globular proteins are very tightly folded into compact spherical form like इस तरह से. This is the tertiary structure. इस तरह से ये fold structure इस तरह से ये दिखाई दे रहा है. इसके एक part का structure यहाँ पे इस तरह से होता है. Now quaternary structure of protein. Many proteins exist as single polypeptide chain, but there are some proteins which exist as assemblies of two or more polypeptide chain called subunits or protomers. These subunits may be identical or different. These are held together by non-covalent forces such as hydrogen bonds, electrostatic interactions and van der Waals interaction.
The quaternary structure refers to the determination of number of subunits and their special arrangement in an aggregate protein molecule. The best known example of protein possessing quaternary structure is hemoglobin, which transports oxygen from the lungs to the cells and carbon dioxide from the cells to the lungs through the blood stream. It is an aggregate of four polypeptide chains or subunits, two identical alpha chains, each containing 141 amino acid residue, and two identical beta chains, each containing 146 amino acid residues. These four subunits lie more or less at the vertices of a regular tetrahedron. Each polypeptide chain carries a heme group. This is non-protoporphyrin complex at its end. As diagrammatic representation of four level of protein structure is given, where each knot represent an amino acid. Is the structure hota hai primary structure. This is the primary structure. This is the secondary, this is the primary structure, simple. And this is the secondary structure of protein. This is the tertiary structure, shows like this. And this is the quaternary structure of protein. Now, this is the diagrammatic representation of four level of protein structure, two subunits of two types in quaternary structure. Is there a two subunits hote hain isme? इसको बहुत हम छोटा करेंगे तब जाके ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा और नहीं होगा. ये बीच में ये चेन है इस तरह से, और ये बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और CONK CO का O जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरी चेन के साथ बना रहा है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है ये, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन हेलिक्स किस तरह से इसको बांध के रखता है. उसके बाद आ जाते हैं ये एंड टर्मिनल एंड दोनों साइड का किस तरह से हम शो कर सकते हैं. दिस इज दी पैरेलल. ये क्या है, एंड टर्मिनल यहाँ पे होगा और ये पूरा एक हेलिक्स बन रहा है इस तरह से, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों जुड़ रहे हैं. दिस इज द, और इधर दूसरे एंड पे क्या है, सी टर्मिनल. इसी तरह ये पैरेलल यूनिट है, ए स्ट्रक्चर देख सकते हो इसी तरह से सी टर्मिनल. और इसमें क्या था, पहले वाले में नॉर्मल है, इसमें एन टर्मिनल एक साइड है और सी टर्मिनल दूसरे साइड है, जबकि ये दूसरे तरह की यूनिट है. इसमें एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल एक साइड और दूसरी तरफ सी टर्मिनल और एन टर्मिनल दूसरे टाइप से. तो ये दो हेलिक्स है जिसका स्ट्रक्चर हो गया एंटी पैरेलल. ये कहलाता है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ प्लीटेड बीटा शीट. तो ये कहलाता है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर. दोनों ही एक साइड है एन बी और सी बी, और दूसरी तरफ ये पैरेलल स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही तरफ एन टर्मिनल है और दूसरे साइड सी टर्मिनल है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इस तरह से देख सकते हो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. और ये जो अभी दिखाया वो क्या है, फ्लैट शीट स्ट्रक्चर इस तरह से होगी और प्लीटेड स्ट्रक्चर इस तरह से होती है. तो किसकी, प्रोटीन्स की. उसके अलावा और हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरह से जो हमें दिखाई देता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये तो इस तरह से ये दिखा रहे हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है और ये एमिनो एसिड्स हैं जो बॉल से दिखाए गए हैं.
उसके अलावा दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो एक एक हम देख सकते हैं बड़ा करके. नाउ दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये साफ नहीं आया. प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई हैं. उसके बाद ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सारे ये डायग्राम हैं, इनको देख करके समझ सकते हो. तो इस तरह से आज हमने क्या बताया तुम लोगों को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, सब प्रोटीन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, और उसके अलावा अमीनो एसिड्स किस तरह से पेप्टाइड्स बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, उसके बाद प्रोटीन बनता है, और उसके बाद कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उन सारे सब का स्ट्रक्चर की पे डिस्कस आज के क्लास में हुआ.